हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे सोनास किचन। और मैं हूँ सोना। आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रिटानिया फ्रूट केक, और वो भी घर पे विदाउट ओवन। ये बहुत आसानी से बन जाता है दोस्तों, और इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया होती है, सेम आपको जो मार्केट में मिलता है। तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ ये रेसिपी लास्ट तक देखें, और प्लीज़ ये रेसिपी घर पे ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है टूटी फ्रूटी, वो लगभग 3/4 कप है। उसमें मैं डाली हूँ 1 टेबलस्पून मैदा, और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये अभी हो गया है, इसे साइड में रख दीजिए। दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है क्लीन, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क मैंने घर पे ही बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत सस्ता पड़ता है दोस्तों, ये सिर्फ 30 रुपीज़ में मैंने बनाया था, और वो 1 ग्लास बना था। तो मैंने इसे 2 रेसिपीज़ में ट्राई किया है, तो आप प्लीज़ भी इसे घर पर ट्राई करें। उसके बाद हम लोग डालेंगे 1/4 कप मतलब सेम मेजरमेंट का ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कंडेंस मिल्क और तेल अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, पर्पस फ्लावर ये 1 कप है, आप कोई भी 1 कप लीजिए, और उसी से सारे सामग्री का मेजरमेंट करें। उसके बाद हम लोग डालेंगे 3/4 कप चीनी, ये पिसी हुई है, आप कोई भी चीनी लीजिए, उसे मिक्सर में पीस लीजिए। हम लोग पिसी हुई चीनी इसलिए ले रहे हैं तो ये जल्दी से घुल जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा छान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से छान लेंगे। हो गया है दोस्तों, अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। इन सारी चीजों को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है, तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे दूध। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप दूध, इसे आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो एक साथ डालेंगे तो ज्यादा कम भी हो सकता है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बैटर कितना स्मूथ बना है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा है, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, मैं वो भी सारा डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देख सकते हो दोस्तों, हमारा बैटर अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और कितना स्मूथ हो गया है, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून पाइनएप्पल एसेंस, इसके जगह पे आप कोई भी फ्रूट का एसेंस डाल सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, एसेंस मिक्स हो गया है, तो अभी बारी आती है टूटी फ्रूटी की। मैंने टूटी फ्रूटी में मैदा इसलिए मिक्स किया था ताकि टूटी फ्रूटी जाके नीचे बैठ ना जाए, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे केक में, और हमें हर पीस में टूटी फ्रूटी मिले, तो इसलिए मैंने मैदा लगा के रख दिया था। तो अभी हमारा केक का बैटर रेडी है, अभी हम लोग इसे हमारे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। मेरा केक टिन है, मैंने इसे ऑयलिंग कर लिया है और इसे बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा।
देखिए दोस्तों, मैंने केक का बैटर केक टिन में डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और बाद में उसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल देंगे थोड़ा सजावट के लिए। तो अब ये केक टिन रेडी है हमारे हांडी में जाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने हांडी रख दी है गैस पे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैं इसके अंदर एक स्टैंड रख रही हूँ, इसके जगह पे आप कोई भी कटोरी उल्टी करके रख सकते हैं। इसे हम लोग ढक लेंगे और 5 से 7 मिनट प्रीहीट करेंगे। दोस्तों 7 मिनट हो गए हैं, हमारा केक टिन अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया है। अब हम इसे खोलेंगे और ये चीज़ आपको बहुत संभाल के करनी है और हमारा केक टिन जो है उसे हांडी में रख देंगे। दोस्तों हमें इसे 30-40 मिनट्स पकाना है लो फ्लेम पे और 30 मिनट्स के बाद आप इसे ओपन करके देखें ये पका है कि नहीं। नाइफ डाल के देखें केक पे, अगर नाइफ आपको चिपचिपा लगा तो ये और पकाना ज़रूरी है और 10 मिनट्स ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाएं। ये देखिए दोस्तों हमारा केक रेडी है, मैंने इसे 38 मिनट्स तक पकाया है और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अभी मैं इसके साइड्स काट रही हूँ। अब हम इसे उल्टा करेंगे एक प्लेट पे। ये देखिए हमारा केक बहुत इजीली आ रहा है बाहर, आप देख पा रहे हो ये बहुत बढ़िया बना है, बढ़िया से कुक हो गया है दोस्तों, बेक हो गया सॉरी, और इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आया है। आप देख पा रहे हो हमारे बटर पेपर पर बहुत ही कम टूटी फ्रूटी लगी है दोस्तों। अगर हम मैदा नहीं डस्ट करते टूटी फ्रूटी को तो लगभग सारी टूटी फ्रूटी नीचे सेटल हो जाती है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों हमारे केक को बहुत बढ़िया कलर आया है और ये उतना ही बढ़िया लगता है दोस्तों खाने में। तो चलिए अब इसे काटते हैं। और ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया केक बना है, ये बहुत अच्छा, और आप देख पा रहे हो टूटी फ्रूटी भी हर बाइट में आपको मिलेगी और ये बहुत इतना ही टेस्टी लगता है जितना कि ब्रिटानिया केक। आप प्लीज़ इसे घर पे ट्राई करें और अगर आपको पसंद आ जाए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।